दो एक से बिछड़ते हुए 3-2 से हमारा इंडियन टीम इस T20 सीरीज को अपने नाम कर लिया है, जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट था। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप दिख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। तो आज तो क्या ही कहना, बहुत ही बढ़िया एक मैच हमको दिखाई दिया और बहुत ही बढ़िया ये मैच था। तो आज ही मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, मतलब इस मैच के बारे में जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में फिफ्थ T20 हुआ उसके बारे में बताने वाला हूँ, मतलब फुल डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज हुआ है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो के लास्ट में जाकर एक गुड न्यूज मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस मैच के बारे में, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जब टॉस हुआ था तो इंडिया हार गया था उस टॉस में और इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रण किया गया था। तो इससे पहले के मैच में दिखाया दिया गया था कि सिर्फ वही मैच इंडिया जीत गया था जो कि टॉस के हारने के बाद भी जीता, लेकिन उससे पहले जो 3 मैच हुआ था उसमें जो भी टॉस जीत रहा था वही मैच जीत रहा था, तो इंडिया को तो थोड़ा सा डर लगा ही होगा। लेकिन मैं पहले ही बताया था कि टॉस इधर कोई भी फैक्टर नहीं करने वाला है, अगर पहले वाला टीम दूसरे के ऊपर रन कर देता है तो वही हुआ। इंग्लैंड बॉलिंग करने आया और ओपन कौन करा, रोहित और कोहली, मतलब ये एक ड्रीम जोड़ी है। मतलब रोहित और कोहली जब ओपन करने उतरा तो बड़ा हिटमैन शर्मा किया ही खेला, मतलब 64 रन कर दिया सिर्फ 34 गेंद में। मतलब आप समझ ही गए कि कितना ही पिटाई पड़ा है सभी इंग्लैंड के गेंदबाजों का, और वैसे ही खेलता रहा कोहली भी, मतलब किसी भी तरह से कोई भी एक गलत शॉट नहीं खेला, सिर्फ रोहित का साथ देते गया। लेकिन जब रोहित आउट हो गया उसके बाद तीसरे नंबर पे उतरा हमारा सूर्या कुमार यादव, तो मतलब सूर्या उदय ही कर दिया, तो सिर्फ 17 बॉल खेला और 17 बॉलों में 32 रन कर दिया, मतलब खिलवाड़ कर दिया है, पूरा खिलवाड़ करा है मतलब बॉलर्स के अगेंस्ट। और सूर्या कुमार यादव ऐसा खेल रहा था कि सिर्फ 2 नंबर इंटरनेशनल मैच में ही ऐसा परफॉर्मेंस, तो मतलब ये तो शानदार से भी ऊपर है, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। उसके बाद जो उतरा वो है हार्दिक पांड्या, और वो मतलब दूसरी तरफ में कोहली खेलते ही गया, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उनका शॉट एक एक कवर ड्राइव, मतलब क्या ही कहना, पूरा प्लेसमेंट के ऊपर कोहली खेलता रहा। और उसके बाद जो हार्दिक पांड्या उतरा, हार्दिक पांड्या उतर कर भी 4-6 मतलब क्या ना क्या करा, और बॉलर्स के मतलब सिर्फ 17 गेंद लिया और कर दिया 39 रन। तो आप समझ ही गए होंगे कि हार्दिक भी क्या मतलब पिटाई किया इंग्लैंड के बॉलर्स के साथ। और जो बॉलर्स पहले के मैच में थर्ड मैच में इंडिया को ऐसा बॉलिंग किया कि उनका रन ही नहीं बना, और उस मतलब उस बॉलर्स के अगेंस्ट ही सभी हमारा टॉप 4 बैट्समैन, तो हार्दिक पांड्या 4 नंबर पुत्र कोई बात नहीं है, टॉप 4 बैट्समैन ऐसा खेल गया, मतलब पूरा खिलवाड़ कर दिया। और लास्टली आता है कोहली, तो जो मैच कोहली खेला एक मैच में भी कोहली को आउट नहीं किया गया है, मतलब इस मैच में भी कोहली नॉट आउट आया है, 80 रन किया है, मतलब क्या ही कहना, बहुत ही बढ़िया एक खिलाड़ी है। और इस कोहली को बहुत दिनों के बाद हमने देखा, तो लगता है कि ये कोहली 2016 का कोहली है जब उनका पिक फॉर्म था और आईपीएल में अच्छा खासा खेल रहा था इंडिया को, और ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पता है जीताया था कैसे, मतलब वो वाला कोहली मुझे पूरा नजर आया इस T20 में। तो आप लोगों को कैसा लगा कोहली का बैटिंग और पूरे इंडियन टीम का बैटिंग, वो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और उसके बाद एक बात कि सूर्या कुमार यादव का जो आउट था, मतलब वो फर्स्ट क्लास था, मतलब क्या ही बताएं क्रिस जॉर्डन को, क्रिस जॉर्डन एक हाथ से बॉल पकड़ा और जेसन रॉय को बॉल दे दिया और बाहर चला गया, और वो कैच शानदार था, वो विकेट बॉलर को नहीं देकर अगर जेसन रॉय को दे देता तो अच्छा होता। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि टोटल कितना रन खड़ा किया, तो टोटल 224 रन इंडिया बोर्ड पे लगाया सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे, एक है सूर्य कुमार यादव और दूसरा है रोहित शर्मा, लेकिन कोहली और हमारा हार्दिक पांड्या नॉट आउट गया है, मतलब ऋषभ पंत स्वयं से हटकर तो बैटिंग ही नहीं आया। और उसके बाद आता है जो इंग्लैंड का बॉलर था, मतलब उनके साथ तो पूरा खिलवाड़ कर दिया है हमारा 3-4 खिलाड़ी, तो उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा सकता है, मतलब क्या बताए। और उसके बाद जो आता है इंग्लैंड की बारी, तो इंग्लैंड बैटिंग करने उतरता है उसके बाद, और जेसन रॉय और जॉस बटलर मतलब खतरनाक जोड़ी था, और उनको भी पहले से ही मतलब दार दार कर कर मारना चाहिए था, लेकिन पहले बॉल में ही भूमी ने जेसन रॉय को आउट कर दिया, तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था। लेकिन उतरा कौन, डेविड मिलर, जो कि एक भी मतलब ज्यादा रन नहीं किया है इस श्रृंखला में, और वही खिलाड़ी और जॉस बटलर दोनों मिलकर ऐसा मारा कि एक समय तो लगा कि गया हाथ से निकल गए, लेकिन नहीं,
मतलब वहां पर भी एक ट्विस्ट था, और एक समय तो आस्किंग रन रेट से भी ऊपर जा रहा था इंग्लैंड का पारी, लेकिन वही पर भुवी को ले आया गया फिर से और भुवी ने अपना जादू बिखेर दिया। तो जॉस बटलर का विकेट 52 रन में भुवी ने निकाल लिया और वही से इंग्लैंड का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। तो वही से मतलब रन भी कम आना शुरू हो गया और एक के बाद विकेट गिरता रहा। डेविड मिलान को भी शार्दुल ठाकुर ने पूरा बोल्ड कर दिया, मतलब ऐसा स्लोअर मारा था, नकल बॉल मारा था और नकल बॉल में भी पूरा बोल्ड कर दिया। मतलब समझ ही नहीं पाया कि कैसा बॉल होने वाला है, कैसा स्लो में और कैसा पेस में आने वाला है। तो ये जो भूमि ने किया वो पूरा टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, और भूमि को ही मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसा बॉल क्या है। और उसके बाद तो मतलब सभी विकेट गिर गया और इंडिया मतलब इस मैच को जीत गया और सीरीज भी जीत गया। लेकिन भूमी का परफॉर्मेंस और शार्दुल ठाकुर का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। तो भूमी ने 4 ओवर बॉल डाला, उनमें से सिर्फ 15 रन दिया और 2 विकेट ले लिया। और वैसे ही था शार्दुल ठाकुर ने भी 4 ओवर बॉल डाला और 45 रन दिया, मतलब बहुत ही रन दिया है, लेकिन 3 विकेट ले लिया, मतलब महत्वपूर्ण विकेट था तीनों ही। तो ये मतलब समरी है। और हार्दिक पांड्या का भी तारीफ करना चाहिए, ये खिलाड़ी जैसा बॉलिंग कर रहा है वैसा बैटिंग भी कर रहा है, मतलब क्या बताए, एक परफेक्ट ऑलराउंडर, फर्स्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जिनको बोला जाए वो है हार्दिक पांड्या। और हमारा कोहली और रोहित तो मतलब क्या ही बताए, वो तो एक है दिल और एक है धड़कन जो खेलने एक साथ रहा और क्या कर दिया वो देख ही सकते हैं आप लोग। और सूर्या कुमार यादव ये एक बढ़िया खोज है हमारे इंडियन टीम का। और जो मैं बताना चाहूंगा कि भूमि को तो मैन ऑफ द मैच दे दिया गया और मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है विराट कोहली को, क्योंकि इतना बढ़िया खेला, टोटल 231 रन किया है इन 5 मैचों में। तो आप समझ गए होंगे कि कितना अच्छा खेला है हमारा कप्तान विराट कोहली, मतलब रन मशीन जो कोई भी बोल दे, मतलब बहुत ही बढ़िया खेला है। और लास्टली जो मैं बताना चाहूंगा कि यही लास्ट T20 था वर्ल्ड कप से पहले, और वर्ल्ड कप के लिए भी मुझे लगता है प्रिडिक्टेबल प्लेइंग 11 तैयार हो गया है। मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं और ऐसा मतलब कहीं पर भी आप नहीं मिलेगा ऐसा न्यूज। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुल प्रिडिक्टेबल प्लेइंग 11 हो सकता है। तो सबसे पहले ओपन अगर कोहली और रोहित को कराया जाए, 3rd नंबर पे सूर्या, 4th नंबर पे ऋषभ पंत, 5th नंबर पे श्रेयस अय्यर, 6th नंबर पे हार्दिक पांड्या, 7th नंबर पे रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा का वापसी होने वाला है, वो तो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, उनको चांस मिलना चाहिए। 7 नंबर पे रविंद्र जडेजा, 8 नंबर पे आप भूमि को खिलाइए, 9 नंबर पे बुमराह, 10 नंबर पे शामी और लास्टली 11 नंबर पे युजवेंद्र चहल। तो ये टीम मतलब थोड़ा सा क्रिएट हो गया है और राहुल मुझे लगता है कि बाहर बैठने वाला है, क्योंकि सूर्या ऐसा खेल गया है मतलब कोई भी बता नहीं सकता है। तो यही कुल इंडियन टीम का वर्ल्ड कप के लिए हो सकता है। तो ये मैं एक स्पॉइलर दे दिया और इसके बारे में भी बाद में वीडियो आने वाला है, और इसके बाद से भी मैं आईपीएल से जुड़ी हुई बहुत सारा न्यूज लाने वाला हूँ। और एक बात, मैं ओडीआई के स्क्वाड के बारे में भी बता चुका हूँ, वो अगर आप अभी भी नहीं देखे तो जाइए देखिए, मतलब क्या कर रहे हैं, देखिए जल्दी से, बटन पे भी दे दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा वो मुझे जरूर कॉमेंट करके बता दीजिए, और अगर ऐसी वीडियो और डिटेल देखना चाहते तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के मैच के लिए तो एक लाइक बनता ही है, तो जल्दी से लाइक दे दीजिए। तो आज के लिए बाय बाय।